अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अपने ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं, बिजी लाइफ मॉम का। तो आज मैं इफ्तार बनाने से स्टार्ट कर रही हूँ। 14वां रोज़ा है आज, उसकी हम इफ्तार बना रहे हैं। और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत रमज़ान करीम मुबारक हो। ये ब्लॉग में गैप इसीलिए आ गया था कि मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो सही हो गए हैं। तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्टेड हो जाऊं। तो आज से डेली मैं वीडियो डालूंगी, इंशाल्लाह डेली ब्लॉग आपके साथ शेयर करूंगी, डेली रूटीन का जो जो भी है, जो हम हाउसवाइफ की बिज़ी लाइफ गुजरती है वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आइए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए जी, इधर मैंने चिकन पकोड़ा की तैयारी कर ली है, मैरिनेशन कर दी है। ये सारा मेरा इफ्तारी बनाते हुए किचन का जो हाल है, ये सारी चीज़ें। और इस तरफ मैं बना रही हूँ तुरई की सब्ज़ी। ये भी आप इधर तुरई की सब्ज़ी बना रही हूँ, इफ्तार की तैयारी कर रही हूँ जो। और ये सब्ज़ी बहुत ही ठंडी होती है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो जी, ये इधर चिकन पकोड़ा मेरीनेट करके रखे ये साइड पे है। और इस तरफ मैं आलू के पकोड़े बनाना स्टार्ट करती हूँ और पालक के। ये कुछ मेरे किचन के हालात इस तरह हैं। तुरइयाँ मेरी डन हो चुकी हैं, ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसमें मैं पहले आलू के पकोड़े बनाऊँगी, जब तक चिकन की अच्छी तरह से मैरिनेशन हो जाए, फिर आलू के पकोड़े बनने के बाद मैं उनको एंड में फ्राई करूँगी। ये देखें, हमारे मज़ेदार से चिकन पकौड़ा बन के तैयार हैं, बाहर से क्रिस्पी अंदर से जूसी। तो जनाब, ये मेरे चिकन पकोड़ा भी रेडी हो गए थे, तुरई की सब्ज़ी भी रेडी हो गई, बहुत ही दोनों मज़े के लजीज बने थे, बहुत ही डिलिशियस बने थे। और मैंने इस तरफ जल्दी जल्दी, इफ्तारी का टाइम हो गया, जल्दी जल्दी से मैंने दस्तरखान लगा दिया। और बस जो जो चीज़ें जल्दी जल्दी अवेलेबल हुई मैंने जल्दी जल्दी से दस्तरखान लगा लिया, बाकी चीज़ों को बाद में एडजस्ट किया। इफ्तार करने के बाद, मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद, फिर मेरे हस्बैंड ने फरमाइश की कि कोई मुझे अच्छा सा ड्रिंक बना के, एनर्जिक ड्रिंक बनाएं, तो वो हम पिए। क्योंकि रोज़े के बाद बंदा लेज़ी हो जाता है, सुस्ती बहुत हो जाती है। तो मैंने बादाम का मिल्क बनाया, ये बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्टी बनता है बादाम का शरबत। इसमें तुकबलंगा जाता है, बादाम जाते हैं, और थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा जामेशेरी मिक्स करके ये मैंने बना लिया। बहुत ही मज़े का हेल्दी ड्रिंक बना था, और इसकी मैंने गार्निशिंग की पिस्ता और बादाम के साथ। मैं अपने हस्बैंड के पास लेके गई। जनाब, ये मेरा मज़े का शरबत था। इसकी डिटेल रेसिपी मैं अपने दूसरे चैनल पे, कुकिंग चैनल पे ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग, आई होप कि ये आपको बहुत पसंद आया होगा। मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।